जाएगा। हाँ नया नया पहना है। अच्छा कहाँ जा रहे घूमी घूमी करने? कहाँ जा रहे सोना, कहाँ जा रहे घूमी घूमी करने? अच्छा घूमना होता है तो आपको नींद नहीं आता है ना? बहुत नींद नहीं आता है आपको, दूध फेंक रहे हो। घूमी जाना, क्या खरीदना है उधर से? चॉकलेट लाना आपको, चॉकलेट लाना है। अच्छा जी चॉकलेट खाना है आपको, कितना बड़ा चॉकलेट खाओगी? अच्छा हाँ बड़ा सा। क्या और क्या खरीदना है? क्या और क्या खरीदना है बता दीजिए। नहीं बाबू घूमे घूमे जा रहा है नया पहन के। रोना आ रहा है आपको, रोना आ रहा है, गुस्से आ रहा है बाबू को, गुस्से आ रहा है। क्यों गुस्से आ रहा है? गोदी लेना है, गोदी लेना आपको? नहीं, अरे रे रे रे, कोई नहीं ले रहा गोदी, कोई गोदी नहीं ले रहा। अच्छा अब हम ले लेते हैं, आ जाओ। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं बाबू को लेके हॉस्पिटल, आज इनका वैक्सीन डेट है। और डेट तो पहले ही था बट हम लोग थोड़ा लेट से जा रहे हैं। घूमी घूमी करने जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अच्छा हॉस्पिटल से। और ये इनको पड़ा है दो वैक्सीन, इनके थाई पे। और ये मस्त सो रही है, इनको आ गया फीवर। आज हो गया इनका छुट्टी, पूरा दिन अभी ऐसे ही शांत रहेगी। बोलो कहाँ गई थी? गाड़ी में बाबू तो बस सोते रहता है ना? नहीं 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 आता रहता है खाली गाड़ी में। हाँ तुमने कुछ देखा? नहीं देखा? हाँ जी आ देखो ये क्या हो रहा है। हाँ ये क्या हो रहा है भाई? एक्सरसाइज हो रहा है? हाँ
एक्सरसाइज हो रहा है, बाबू एक्सरसाइज कर रहा है। और ले ले ले, नींद ही आ रही है। एक्सरसाइज देखो बाबू का। ओह हे गाइस, तो कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद खाना वाना खाया हम लोगों ने, और मैं अभी नीचे मैंने चटाई डाला हुआ है और ये लेटी हुई है यहीं पे। तो मैंने सोचा कि नीचे थोड़ा लेटाते हैं। नीचे लेटाने से ये होता है कि बच्चे करवट ज़्यादा लेते हैं जहाँ तक मुझे पता है, और ये अभी गुंगा कर रही है। ऊपर ये झूमर लटका हुआ है तो वही देख के। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने प्रेगनेंसी में कौन से ऐप जो है वो फॉलो किया, और उससे अभी तक मैं जो है फॉलो कर रही हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबको बताऊँ, और मैं कोई उसका ऐड नहीं कर रही हूँ कि मुझे उससे पैसे मिलने वाले हैं या फिर मुझे बोला गया है व्यू देने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे फ़ायदा मिला, और मुझे ये ऐप मेरी एक फ्रेंड यहीं पर रहती है, उन्होंने बताया था जब मेरा थर्ड मंथ चल रहा था, तब उन्होंने बताया कि ये ऐप फॉलो करो अच्छा लगेगा। तो ये लग रहा है कि बात नहीं करने देगी मुझे। तो आप जितने भी लोग ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, जिन्होंने कंसीव कर लिया है या फिर जिनके बेबी हो गए हैं, ये ऐप जो है उन तीनों लोगों के लिए है। और ये ऐप बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत सारे ट्रिप मिलेंगे इसमें देखने को, पढ़ने के लिए बहुत सारे आपके फ्रेंड भी जुड़ जाएंगे, जितने जैसे आपका कौन सा मंथ चल रहा है उस मंथ की बहुत सारी लेडीज़ जो है उस पर फ्रेंड ग्रुप भी रहता है, तो आप फ्रेंड बन सकते हैं, उनसे चैटिंग कर सकते हैं, कुछ जो भी प्रॉब्लम आपको है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि उस पर डॉक्टर आते हैं डेली, लाइव डॉक्टर आती है, उसमें कोई चार्ज नहीं आता है। आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, आप उस डॉक्टर से पूछ सकते हैं, आपका तुरंत का तुरंत जो है वो रिप्लाई देती है डॉक्टर। और मुझे लगता है दिन में 2-3 बार आती है डॉक्टर, सुबह सुबह तो 9 बजे और 1-7 बजे। ये तो मैंने 9 बजे वाले डॉक्टर को मैंने फॉलो किया था। डेली डेली आती हैं, डेली आपको जो भी प्रॉब्लम है आप पूछो, वो आपको बता देती हैं। और उसके बाद डेली उसमें एक नोटिफिकेशन आता है डेली रात के 12 बजे, जो कि बहुत अच्छा लगता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं अभी अभी, तो आपके बेबी का वेट कितना होना चाहिए, अभी बेबी का कौन सा पार्ट डेवलप हो रहा है, बेबी का कौन, बेबी की एक्टिविटी आपके पेट में, आपकी टमी में अभी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना इस ऐप के जरिए हमें पता चलता है। बेबी का लंबाई कितना हो गया है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ के हमें बहुत खुशी मिलता है, जो कि मुझे भी मिलता था। और अभी बेबी हो भी गई है तब भी हमें पता चलता है कि तीसरे मंथ में हमारी बेबी की एक्टिविटी क्या होगा, इसका वेट कितना होना चाहिए, इसकी लंबाई कितना होना चाहिए, और भी बहुत सारे चीज़ें जो है हमें नहीं पता रहता है, सर्दी खांसी जुकाम, ये सारे जो है ना आपको उस पे उस ऐप पे मिलेंगे, जो कि आप पढ़ के बहुत सारी चीज़ें जो है आप जान सकते हो। दादी के नुस्खे जो है वो तो होते हैं ना, पहले के ज़माने की दादी नानी बताती थी बच्चों को ये करो, या फिर प्रेगनेंसी में आप जब इस ऐप को फॉलो करोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस ऐप का नाम है, यहाँ पे मैंने दे दिया है, हेलो फाई नाम है इसका, और आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आपका जो पीरियड डेट है वो डाल दो, अगर आप कंसीव कर गए हो तो आपका जो लास्ट पीरियड डेट था वो डालो, अपना नाम डालो, अगर आपके बेबी हो गया है तो बेबी कौन से डेट पे हुआ है वो डेट डालोगे तो वो तुरंत लोड हो जाएगा, और उसके बाद डेली ट्रिप आपको आना शुरू हो जाएगा, डेली का डेली 12 बजे रात का। और मैं अभी भी जस्ट रात के 12 बजते हैं मैं तुरंत फ़ोन खोल के देखती हूँ कि हाँ आज मेरी बेबी की एक्टिविटी क्या होगा। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैं देखती थी कि हाँ अब मेरा बेबी जैसे कितने इस मंथ में कितना डेवलप हो गया, उसकी एक्टिविटी क्या है हमारे टम्मी में, उसका वेट कितना होना चाहिए,
और भी बहुत सारी हमें एक्सरसाइज कौन से करने चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, मतलब जब आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो आप उसके सारे मतलब जितने भी फ़ायदे हैं वो जान जाओगे। अभी बहुत तेज़ हवा चल रहा है और ये यहाँ पे लेटी हुई है, देखिए कि पे ये जितना हिल रहा है ये उसी से बातें किए जा रही हैं, इनका निगाह पूरा उधर ही है। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और जितने भी लोगों के बेबी है अभी हुआ है या फिर प्रेग्नेंट है, तो आप एक भी इंजेक्शन एक भी वैक्सीन मत छोड़ो अभी के डेट में, जो कि इतने सारे ये बीमारी चल रही है। तो प्लीज़ आप कैसे कैसे करके जैसे भी हो आप अपना इंजेक्शन अपना अल्ट्रासाउंड डेली करवाओ जाओ, और इंजेक्शन भी बेबी का वैक्सीन डेली कर लो, क्योंकि आप क्या करो, आप सबको पता है कि ये कितना ज़रूरी है। और अभी इसका जो वैक्सीन लगा है वो 10 वीक का है और इसके बाद इसका 14 वीक वाला लगने वाला है, तो बस इसका वैक्सीन एक भी नहीं छूटा है, हम लोग उन्हें डेली दिलवाते रहते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो पसंद आए तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।